अल्लाह हम अपने हालात को बदलने की फिक्र करें। खास तौर पर एक बुनियादी चीज हर वक्त सामने रहनी चाहिए और वो हमारे भी सामने रहनी चाहिए, और जो लोग हालात को बदलने के लिए मैदान में उतरकर मेहनत कर रहे हैं, जैसे आजकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि असल जो मसला है हमारा वो अपने दीनों ईमान की हिफाजत का मसला है। ये बात उन लोगों को इसलिए याद दिलानी पड़ रही है कि अभी बिरादरान वतन का मशहूर त्यौहार गुजरा है पिछले हफ्ते, तो प्रोटेस्ट में चूंकि हमारे साथ बिरादरान वतन भी हिस्सा कुछ ले रहे हैं, कुछ थोड़ी सी तादाद में, तो उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए हमारे कलमा गो भाइयों ने उनकी होली में हिस्सा लिया। तो हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि उनके हमारे साथ शरीक होने की, तआवुन करने की ये कीमत हम अदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि मसला खाली अपने वजूद की लड़ाई का नहीं है। अगर कोई ऐसा समझ कर लड़ रहा है तो उसको बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मसला फकत वजूद का होता तो हमारे वजूद को कोई खतरा नहीं है, सारी दुनिया हमें सर पे बिठाने के लिए तैयार है अगर हम खाली अपना वजूद लेकर जाएं। मसला है ईमानी वजूद को बचाने का। लड़ाई जो है वो ये है कि हम अपने पूरे दीनों ईमान के साथ जिंदा रहने पर इसरार करते हैं, तय कर रखा है हमने, हमें मुसलमान जीना है, मुसलमान मरना है। लड़ाई ये है, वो ये चाहते हैं कि वजूद तो तुम्हारा रहे, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ईमान के साथ रहे, पूरे दीन के साथ रहे, ये हमें गवारा नहीं। तो असल खास तौर से ये नुक्ता तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए, तमाम मुसलमानों को, और बिरादराने वतन पर यह बात खोलकर वाजह कर देनी चाहिए कि देखिए हिंदुस्तान में हम दस्तूर और आइन के हवाले से अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस हक से मुराद वो पूरी तफसील है जो आइन में दी गई है, और उसमें मजहबी आजादी बुनियादी हक है।